इस बार घोड़े पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा। जाने क्या है इसका मतलब। इस बार 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जो कि 17 अप्रैल तक रहेगी। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन माने जाते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन की सवारी अनहोनी की ओर इशारा कर रही है। दरअसल इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, और कहा जाता है कि घोड़े पर सवार होकर माता रानी का आगमन शुभ नहीं माना जाता। इससे देश दुनिया में कई गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे में इन 9 दिनों तक कैसे पूजा पाठ करें कि आपको शुभ फल मिले, ऐसा क्या करें कि अनहोनी के प्रभाव को कम किया जा सके, इन्हीं सब बातों को हम बता रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की सवारी से आने वाले अच्छे या बुरे समय का अंदाजा लगाया जाता है, इसलिए नवरात्रि में माता रानी की सवारी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। हिंदू धर्म में साल भर में कुल 4 नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व फाल्गुन नवरात्रि होते हैं। गुप्त नवरात्रि विशेष तौर पर साधु संत मनाते हैं, जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्रि को सभी लोग बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। फाल्गुन का महीना खत्म होते ही चैत्र माह शुरू हो जाता है, जिसे हिंदी कैलेंडर का पहला महीना कहा जाता है, और इस दौरान नवरात्रि के दिन हिंदू नया साल भी मनाया जाता है। बता दें कि इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे हैं, और इस दौरान 9 दिनों माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का विधि विधान से पूजन किया जाएगा। नवरात्रि में माता रानी की सवारी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ की सवारी से ही आने वाले अच्छे व बुरे समय का अंदाजा लगाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। पंचांग के अनुसार इस साल ये तिथि 8 अप्रैल को रात 11:50 पर शुरू होगी और 9 अप्रैल को रात 8:30 पर इसका समापन होगा। उदयातिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 से होगी। वैसे मां दुर्गा की सवारी शेर है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा धरती पर अलग अलग वाहनों से आती हैं, और हर बार माता का वाहन अलग होता है। मां दुर्गा का वाहन इस बात का संकेत देता है कि आने वाला समय कैसा होगा। माता रानी का वाहन इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि किस दिन शुरू हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार के दिन होगी, और इस दिन माँ घोड़े पर सवार होकर आएंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि नवरात्रि में माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं, तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक खास संकेत होता है। घोड़े पर सवार होकर माँ का आना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में सत्ता में बड़ा बदलाव होने वाला है। इसके साथ ही युद्ध के भी हालात बन सकते हैं। साधकों को जीवन में आ रहे सभी संकटों से भी छुटकारा मिलेगा, यानी आने वाला समय बदलाव का होगा, और ऐसे में आपको अपने आसपास छोटे बड़े कई बदलाव देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि माँ दुर्गा का घोड़े पर सवार होकर आने का मतलब है कि प्राकृतिक आपदा की संभावना बढ़ सकती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा के आगमन और प्रस्थान के दौरान वाहन का विशेष महत्व होता है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार से हो रही है, और जब नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार से होती है तो माता का वाहन घोड़ा होता है। घोड़े पर सवार होकर माता रानी का धरती पर आगमन शुभ नहीं माना जाता है। इससे कई गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। घोड़े पर सवार होकर माता रानी के आगमन का अर्थ। नवरात्रि में माता का आगमन घोड़े पर होता है तो समाज में अस्थिरता, तनाव, अचानक बड़ी दुर्घटना, भूकंप, चक्रवात, सत्ता परिवर्तन, युद्ध आदि की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। शुभ परिणाम के लिए ऐसे करें पूजा। घोड़े पर माता का आगमन शुभ नहीं माना जाता है, ऐसे में इस नवरात्रि में माता की पूजा क्षमा प्रार्थना के साथ करें। पूरे दिन विधिवत पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना करने से माता प्रसन्न होंगी और शुभ फल देंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि माता रानी इस बार घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं, जो कि शुभ फल नहीं देती है। इसीलिए जब भी माता रानी का व्रत और पूजन करें
तो माता से क्षमा याचना जरूर करें। आपको हमारी दी हुई जानकारी से काफी मदद मिली होगी। हम आप तक ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे जिससे कि आपका मार्गदर्शन हो सके। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।